दोस्तों यहाँ पर हम कॉन्टोर स्पेस लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कंपनी के फाइनेंशियल, आईपीओ डिटेल्स और मेरा क्या ओपिनियन है इस आईपीओ को लेकर, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है शुभांश चौरसिया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप फ्री में ओपन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में समझ लेते हैं कि कंपनी किस चीज से जुड़ी हुई है। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये कंपनी 2018 में बनी थी, यानी कि अभी इस कंपनी को काम करते हुए मात्र 5 साल हुए हैं। आगे यहां पर देखें तो कॉन्टोर स्पेस लिमिटेड प्रोवाइड द स्पेस एज अ सर्विसेज बाय रेंटिंग एज अ मैनेजिंग कॉमर्शियल स्पेसेस। अब देखिए यहां पर आप ये समझेंगे कि ये कहीं ना कहीं स्पेस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, बट ऐसा नहीं है। ये कंपनी स्पेस प्रोवाइड करती है, जैसे आपको कोई रेंटल घर चाहिए, आपको कॉमर्शियल कुछ कंपनी खोलने के लिए ऑफिस चाहिए, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं स्पेस प्रोवाइड करने का काम करती है, तो इस बिजनेस में ये जुड़ी हुई है। दोस्तों अगर बात करें फाइनेंशियल की, तो यहां पर आप देख सकते हैं एसेट वैल्यू 535 लाख के आसपास 2021 में रही थी, 580 लाख के आसपास 2022 और 1295 लाख के आसपास 2023 में होती हुई नजर आई। तो अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो दोस्तों 390 लाख का रेवेन्यू मार्च 2021 में, मार्च 2022 में देखा जाए तो 403 लाख से आसपास का रेवेन्यू, वहीं मार्च 2023 में अगर देखा जाए तो 917 लाख का रेवेन्यू कंपनी ने किया है। दोस्तों प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी लॉस में थी 2021 में, करीबन 61.7 लाख का कंपनी ने लॉस किया। उसके बाद 2022 में देखा जाए तो 30 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट था, और अभी 2023 में 187 लाख से ज़्यादा के प्रॉफिट के साथ कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों रिकवर अच्छा किया है कंपनी ने, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने मिल रही है। दोस्तों अगर बात करें आईपीओ डिटेल्स की, तो ये आईपीओ 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच ओपन होगा। अप्लाई करने के लिए 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर फेस वैल्यू रखा गया है, 93 रुपये में आपको एक शेयर मिलेगा, 1200 शेयर से एक लॉट में रहेंगे। इशू साइज़ की बात करें तो 15.62 करोड़ का टोटल इशू होगा। सारा इशू प्रेस इशू के जरिए लाया जा रहा है, फिक्स प्राइस इशू होगा, एनएससी एसएमई में आईपीओ लिस्ट होगा, 50% का रिटेल रिजर्वेशन देखने में मिल रहा है। दोस्तों अगर बात करी जाए ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की, टू मेक द पेमेंट ऑफ रेंटल डिपॉजिट ऑफ न्यू कोवर्किंग सेंटर एंड टू कैरी आउट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द फिट आउट्स ऑफ द न्यू कोवर्किंग सेंटर एंड जनरल पर्पज। ये 3 कारण कंपनी ने बताएं जिसके कारण कंपनी अपना आईपीओ लाकर मार्केट से पैसा रेस करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगर बात करें लॉट साइज की, तो मिनिमम मैक्सिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल कैटेगरी में 1200 शेयर्स आएंगे, 1,11,600 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। वहीं 2 लॉट मिनिमम एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स आएंगे और 2,23,200 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आईपीओ आने के पहले 98.20% का स्टेक जो है प्रमोटर के पास था, आईपीओ आने के बाद कितना रहेगा अभी तक अपडेट नहीं है। दोस्तों अब बात आती है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इस आईपीओ को इग्नोर करना है। आपको बता दूं कि ये जो शेयर है, एक शेयर आपको 93 रुपये में मिल रहा है और दोस्तों 30 रुपये का प्रीमियम भी यहाँ पर चल रहा है। 93 रुपये का शेयर है, 30 रुपये का प्रीमियम है, यहाँ पर करीब 123 रुपये पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन इस आईपीओ में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों शुरू में तो लग रहा है कि अच्छा खासा ये आईपीओ है और शुरू से ही आपको प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के पर्पस से, लॉन्ग टर्म के माइंडसेट से अगर इसमें पैसा लगाते हैं तो आपको अच्छा खासा पैसा यहां पर बनता हुआ नजर आ सकता है। तो मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचते हैं तो निश्चित रूप से इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, ये मेरा मानना है। दोस्तों अगर आप कुछ भी करते हैं, प्रॉफिट लॉस होता है तो उसका जिम्मेवार आप खुद होंगे। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आपको जरूर बात करनी है, ये जानकारी केवल इंफॉर्मेशन पर्पस से आपको बताई गई है। आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।